नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने तीन फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि तीन फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्लिप की गणना करने है तो उसका फार्मूला आपको कौन सा होगा, यानी कि फार्मूला आपको बताना है यहाँ से। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट आए हैं सभी क्लास को लाइक और करेंगे और शेयर भी करेंगे, और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो यहाँ आपको जो पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चार नंबर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में क्या करेंगे, सिंक्रोनस गति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि जो अपना जो ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये आपको क्या चीज़ दिखाया गया है? तो ये इंजिन कंट्रोल होगा, या ऑन रिमोट कंट्रोल होगा, या ऑफ रिमोट कंट्रोल है, या मोटर का फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल है, मतलब मोटर को अगर और फॉरवर्ड यानी कि दोनों दिशाओं में चलाने का मेथड आपको बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर जो होगा क्या होगा। तो देखो ये जो अपना रहेगा वो इंचिंग सर्किट रहेगा, जिसको हमने जॉगिंग भी बोल सकते हैं, और ये मोटर की स्टार्टिंग से संबंधित होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपना क्या रहेगा, अपना इंचिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी 2018 की परीक्षा में भी पूछा गया था, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं कि जो भी मोटर जो होती है उसमें कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री आपको ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला आपका कौन सा होगा। पहला दे रखा है 180 बटा में स्लोटों की संख्या होगी, दूसरा आपको दे रखा है 180 इंटू स्लोट की संख्या होगी, 180 इंटू पोलों की संख्या डिवाइडेड इन फुलों की संख्या होगी, और या 180 इंटू ध्रुवों की संख्या होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर हमने बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 180 इंटू पोलों की संख्या होगा। अगर आपके पास चार पोल हैं तो को टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अगर आपको निकालना है तो 180 को चार से मल्टीप्लाई कीजिए, 720 आएगा। छः का निकालना है तो छः का भी निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या दिया गया, स्टार्टर का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन का मतलब देख लीजिए, अब आप लोग यहाँ से देखिए, ठीक है, आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये स्टार्टर आप लोग बताइए कौन सा है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होगा, या सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, या फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट, इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग डायग्राम को देखिए यहाँ से, और डायग्राम के अंदर ये देखो आपको क्या दिया गया है, ये ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होगा। तो यहाँ से भी आप लोग आइडिया लगा सकते थे, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि तीन फेज इंडक्शन मोटर उसमें सिंक्रोनस गति को ज्ञात कैसे किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 120 एफ अपॉन में पी होगा, 120 पी अपॉन में एफ होगा, या 120 बटा पी एफ होगा, या पी एफ बटा 120 होगा। तो आपको सिंक्रोनस गति का फार्मूला निकालना है, तो कमेंट करते रहिए आप लोग। तो एफ बराबर जो होगा वो पी एन बटा 120 होगा। तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से एन का मान निकालना है, तो 120 इंटू एफ होगा बटा में क्या आएगा, पी, यानी कि जिन लोगों ने ए आंसर दिया उन सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको दे रखा है कि 10 एचपी की एक मोटर है, उसका आपको बताना है कि फ्यूज जो आप लोग लगाओगे उसकी रेटिंग क्या होगी। तो पूर्ण लोड पर 10 एचपी की रेटिंग है, तो पहला ऑप्शन 10 दे रखा है, दूसरा 15, तीसरा 25, और चौथा आपको दे रखा है 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। देखो 10 एचपी की मोटर है, लगभग 1 एचपी की मोटर होगी वो लगभग 1.5 एम्पीयर की करंट लेती है, तो 10 एम्पीयर की जो मोटर की जो करंट होगी लगभग 15 एम्पीयर होगी। इसको आप लोग रूट 3 VL IL cos phi से भी निकाल सकते हो, और नॉर्मली अगर आप लोग याद रखना एग्जाम के अंदर आपको 1.5 नॉर्मली याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ फ्यूज की रेटिंग पूछा है, न कि आपको मोटर, तो मोटर की करंट अगर पूछे लगभग ये होगा, फ्यूज इसका लगभग 1.5 गुना या 1.4 गुना लिया जाता है, तो लगभग इसका 25 एम्पीयर राइट आंसर होगा। तो 15 को आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, ये स्टार जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर ये जो एक्स आपको पूछा गया, ये एक्स कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपको एक्स बताना है कौन सा होगा।
स्टार कॉन्टैक्ट है या डेल्टा कॉन्टैक्ट है या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है या ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो ये जो आपको दिखाया गया ये आपका जो यहाँ से जो रहेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, अब देखिए। तो ये स्टार कनेक्ट कनेक्ट कनेक्टेड होगा, कॉन्टैक्ट होगा या डेल्टा कॉन्टैक्ट होगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होगा या अवर रोड रिले कॉन्टैक्ट होगा। तो यहाँ से ये अगर आपका, अगर अपने बात करें तो ये आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको वाइंडिंग दिखाया गया है। वाइंडिंग आपको बताना है किस तरीके की वाइंडिंग रहेगी, सिंगल लेयर बास्केट होगी, डबल लेयर बास्केट होगी या इन्वोल्यूट कॉइल होगी या डायमंड कॉइल वाइंडिंग होगी। तो इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो देखो, एक तो आप लोग ये देखिए इस खांचे के अंदर जो होगा वो प्रत्येक खांचे के अंदर एक ही कंडक्टर आ रहा है और ये बास्केट है, तो ये सिंगल लेयर आपकी कौन सी होगी, बास्केट वाइंडिंग होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि तीन फेज इंडक्शन मोटर होगा उसकी परसेंटेज अगर स्लिप निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको ऊपर भी दिया गया था लेकिन वहाँ परसेंटेज स्लिप नहीं थी, वहाँ फ्रैक्शनल स्लिप थी। फार्मूला सेम रहेगा, बस ओनली परसेंटेज में अगर किसी चीज़ को चेंज करना है तो उसको इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो उस फार्मूले को आपको याद होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ए। तो एन एस माइनस एन आर बटा में एन एस इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ए रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था, ए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आपको बताया गया है कि ये जो आपको ऑपरेशन सर्किट दिखाया गया है कौन सा है। देखो, ऊपर आपने एक क्वेश्चन किया था वो उसका जैसा ही है, ये सेम कंडीशन है। तो वहाँ जो आपने आंसर दिया था उसका आंसर यहाँ जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रिमोट कंट्रोल होगा, इंचिंग होगा, सिक्वेंशियल कंट्रोल होगा, फॉरवर्ड या रिवर्स कंट्रोल होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर अपने बात करें राइट आंसर जो रहेगा इंचिंग या जॉगिंग रहेगा, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, तीन फेज मोटर जो होगी उसमें वाइंडिंग के बीच में कला विस्थापन आपको बताना है कितना होगा। तो तीन फेज मोटर का अगर कला विस्थापन आपको बताना हो तो इसका एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। 360 बटा में क्या रहेगा, यहाँ एन फेजों की संख्या रहेगी और ये भी आपको तीन फेज से ज़्यादा फेज होंगे तभी फार्मूला काम करेगा। तो देखो, आपको तीन फेज मोटर है उसमें वाइंडिंग के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है, तो 360 बटा 3 कीजिए तो 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो आपको डायग्राम दिखाया गया है उसके अंदर जो एक्स भाग आपको रिप्रेजेंट किया गया है तो वही एक्स आपको बताना है कौन सा होगा। तो साफ्ट होगा, ब्रश होगा, बेरिंग होगा या स्लिप रिंग होगा। तो यहाँ से देखिए, साफ्ट होगा, ब्रश होगा, बेरिंग होगा या स्लिप रिंग होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का अगर हमने देखें तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है ये सारे के सारे क्या है, स्लिप रिंग होगा। तो डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइंडिंग से होगा क्वेश्चन, वाइंडिंग आपको बताना कौन सा होगा। तो ये वाइंडिंग आपको बताना कौन सी है, हाफ कोयल वाइंडिंग है, बॉल कोयल, बॉयल कोयल का मतलब होता है पूरी कुंडली वाइंडिंग है, सिंगल लेयर है या डबल लेयर है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो देखो, एक ये खांचा जो है, इस एक खांचे के अंदर जो चालकों की संख्या है वो दो है, इसका मतलब ये वाइंडिंग कौन सी रहेगी, अपनी डबल लेयर रहेगी। तो डबल लेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो आपको वाइंडिंग दिखाई गई है तो ये वाइंडिंग आपको बताना ये कौन सी वाइंडिंग है। सेकेंद्रीय वाइंडिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मेश शेप्ड कोयल वाइंडिंग होगी या डायमंड मेश शेप्ड कोयल वाइंडिंग होगी। 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो ये जो वाइंडिंग होगी अपनी ये होगी डायमंड वाइंडिंग, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कि तीन फेज मोटर जो होगी किस गति को तुल्यकालिक गति कहेंगे, मतलब सिंक्रोनस स्पीड आपको बताना है किसको कहते हैं।
नो लोड पर जो मोटर की गति होगी उसको बोलेंगे, या फुल लोड पर जो मोटर को गति होगी उसको बोलेंगे, या जिस गति पर आपका चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन कर रहा है उसको बोलेंगे, या रोटर और स्टेटर के बीच की जो गति का जो अंतर होगा उसको बोलेंगे। तो आपको पता है कि जिस गति पर मोटर का जो सिंक्रोनस गति जो होगी, जिस गति पर मोटर का चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करेगा वह इसकी क्या कहलाती है, सिंक्रोनस गति कहलाती है। और इसकी जो फार्मूला जो अगर अपने बात करें तो 120 एफ अपॉन में क्या होगा, पी होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपना क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार्टर का नाम बताना आपको। तो ये सिंबल आपको बताना है ये किस प्रकार के स्टार्टर का सिंबल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ड्यूल स्टार्टर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होगा, या स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा। तो देखो ये बीच के अंदर आपको ये जो सिंबल दिखाया गया ये ऑटो ट्रांसफार्मर का, ये बीच में इस तरीके से जो बनता है ये पूरा स्टार्टर का सिंबल होता है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ इसके अंदर इस तरीके से बना देता तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर होता। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम यहाँ पूरा सही तरीके से नहीं पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि ये वायर गाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा तरीके से डायग्राम सही समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या पूछा गया। बाकी ज़्यादातर चांसेस ये लग रहा है कि ये वाइंडिंग आपको बता रहा है कि वाइंडिंग को लपेट रहा है, तो ये तार को गाइड करने वाला वायर गाइड होगा ताकि तार उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में इसको ले जाया गया। तो यहाँ सी आंसर हो सकता है इसका, लेकिन पूरे तरीके से डायग्राम एकदम एक्यूरेट नहीं दिखाई दे रहा, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ते हैं। अगला देखिए, 6 बॉल की मशीन होगी तो उसमें टोटल आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री बताना है, इलेक्ट्रिकल डिग्री आपको बताना है टोटल उसमें क्या होगी। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो याद कीजिए जो हमने पहले उसमें क्वेश्चन किया था, तो इसका जो फार्मूला था वो 180 इंटू पोलों की संख्या थी और पोल आपको कितने दे रखे हैं, 6। तो 180 इंटू 6 कीजिए और आंसर देखिए क्या आएगा आपका यहाँ से। तो सी इस क्वेश्चन का रहेगा, 18 × 108 होगा, मतलब 1080 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने साथ लिख लीजिए, क्योंकि इसके 4 ऑप्शन में एक बार किए आपको यहाँ लिख देता हूँ, 2, 3, 4, ठीक है। इसके इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसके जो 4 ऑप्शन है वो 1, 2, 3 और क्या है, 4 है। आपको क्या दिया गया है कि 2 पोल है, 24 खांचे हैं, 12 कुंडली है और 3 फेज मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल क्या होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होगा यहाँ से। तो क्लास को आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितने भी जो स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं पीडीएफ फाइल जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो वहाँ दे दी जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है बीचएम के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देखिए कि आपको क्या दे रखा है, कुंडली की संख्या पूछी है प्रति फेज प्रति पोल, मतलब कुंडली की संख्या ऊपर आएगी, नीचे आएगा फेज की संख्या, फेज कितने दे रखे हैं, 2, और सॉरी 3 दे रखे हैं, और पोल कितने दे रखे हैं, 2। तो ऊपर 12 है, नीचे 6 बनेगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन वापस देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि अगर बीच के अंदर अगर ये बीच में कुछ नहीं होता तो ये सारा स्टार्टर का डायग्राम होगा, लेकिन अगर आपको बीच में इस तरीके से बनाया है तो ये आप लोग बताइए कि ये स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा, रियो स्टेट स्टार्टर होगा, या डायरेक्ट ऑनलाइन होगा, या ऑटो ट्रांसफार्मर होगा। तो देखो ये आपको अंदर स्टार और डेल्टा, क्योंकि बाहर डेल्टा बना है, अंदर क्या बना है, स्टार। तो आपका जो आंसर होगा स्टार डेल्टा रहेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पिच फैक्टर का फार्मूला बताना है, पोल पिच बटा वाइंडिंग पिच होगा, वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच होगा, नंबर ऑफ स्लॉट बटा नंबर ऑफ पोल होंगे, या नंबर ऑफ पोल बटा नंबर ऑफ स्लॉट होंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो पिच फैक्टर जो होगा वो वाइंडिंग पिच बटा में क्या होगा, पोल पिच होगा, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, पोल पिच दे रखा है कि
किसी भी मशीन के अंदर जो पोल पिच होगा उसका मतलब क्या है। यहाँ पर पोल पिच का मतलब बताना है इसके। ठीक है, यहाँ तक देखें, पहला ऑप्शन दे रखा है कि विद्युतीय डिग्री बटा नंबर ऑफ स्लॉट, फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है नंबर ऑफ स्लॉट बटा में इलेक्ट्रिकल डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको नंबर ऑफ स्लॉट बटा में नंबर ऑफ पोल, और चौथा ऑप्शन दे रखा है नंबर ऑफ पोल बटा में नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर। तो देखो पोल पिच जो होगी उसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। देखो मैं यहाँ से बताता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए आप लोग क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी होगा। देखो एक तो होगा चालकों की संख्या बटा में पोलों की संख्या होगी, चालक बटा में पोल होगा। दूसरा खांचों की संख्या बटा में पोलों की संख्या होगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी भी कॉइल जो होगी उसका औसत परिधि ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा। मतलब आपको यहाँ से बताना है उसकी एवरेज वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से बताइए क्या आएगा। तो देखो औसत आपको पता होना चाहिए हमेशा क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होगी। ठीक है यहाँ, और या ऊपर वाला ऑप्शन देखिए एल आउट माइनस एल इन, मतलब इंडक्टर को आपने जो कुंडली जो होगी उसका पहला चालक कहाँ रखा है दूसरा चालक कहाँ रखा है उन दोनों के अंतर का इस तरीके से फिर उसको दो से डिवाइड करेंगे। तो औसत परिधि जो होगी आपका 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति अगर है तो 6 पोल वाले एसी मशीन की सिंक्रोनस गति क्या होगी। तो सिंक्रोनस गति आपको बताना है 6 पोल है और 50 हर्ट्ज है। इस फॉर्मूले का आप लोग यूज़ करेंगे सभी 120 F बटा में क्या होगा P होगा। तो 120 आपको दे रखा है, फ्रिक्वेंसी आपको 50 दे रखा है, पोलों की संख्या 6 दे रखा है। तो देखो आप लोग ऊपर कैलकुलेट करके देखिए 120 × 50 यानी कि टोटल कितना आएगा 6000 और नीचे कितना आएगा 50। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा सॉरी नीचे कितना आएगा 6 आएगा, तो 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्योंकि पोलों की संख्या कितनी है 6। तो 6000 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1000। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 फेज मोटर है उसमें परसेंटेज स्लिप आपको बताना है। मोटर के अंदर 50 हर्ट्ज है, सप्लाई दे रखी है आपने और पोलों की संख्या कितनी है 6, लेकिन इसका जो मोटर जो घूम रही है वो कितनी गति पर घूम रहा है 960। तो आपको इसकी स्लिप बताना है कितना आएगा राइट आंसर। 2% स्लिप होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो स्लिप ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए। एस बराबर होगा वो सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में क्या आएगा सिंक्रोनस गति इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अब आपको पता है कि जो सिंक्रोनस गति आएगी 6 पोल पर, अभी ऊपर क्वेश्चन किया था 1000 आएगा और ऊपर कितना आएगा रोटर गति 960। फिर डिवाइडेशन में करेंगे तो नीचे आएगा 1000 × % में वैल्यू चाहिए तो 100 करेंगे। 20 से 20 कैंसिल आउट होगी, ऊपर 40 बचेगा नीचे 10 बचेगा। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा 4%। तो इस क्वेश्चन का कितना होगा सी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटर है स्क्वायर केज मोटर है उसकी रोटर आवृत्ति आपको बताना है क्या होगा। अब यहाँ इसने कंडीशन नहीं दी है शायद, ठीक है स्टार्टिंग देखो टाइम ऑफ स्टार्टिंग दे रखा है, मतलब जब मोटर को स्टार्ट करोगे तो उस समय जो रोटर की जो स्लिप होगी वो आपको बताना है क्या रहेगी। सप्लाई आवृत्ति के बराबर होगी या सप्लाई आवृत्ति का 1/3 होगा या सप्लाई आवृत्ति का 3 गुना होगा या √3 गुना होगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि रोटर आवृत्ति जो होगी वो स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी होगी, और स्टार्टिंग के अंदर स्लिप की बात करें तो 1 होगी तो इसका मतलब शुरुआत के अंदर रोटर आवृत्ति जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और सप्लाई आवृत्ति के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपको दे रखा है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे मिलता है, मतलब इंडक्शन मोटर का जो रोटर होगा उसमें वोल्टेज कैसे मिलेगा। आपको दे रखा है डायरेक्ट स्टेटर से दिया जाता है या स्टेटर में जो बैक ईएमएफ बनेगा उसकी वजह से होगा। यार ये क्वेश्चन आधा दे रखा है यहाँ पर, नीचे देखते हैं इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन अधूरा है तो इसको मैं छोड़ना पड़ेगा मेरे को। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना कि ये जो इंडक्शन के मोटर के अंदर रोटर के अंदर जो बनेगा, जब वो स्टेटर वाइंडिंग का फ्लक्स काटेगा तो उस वजह से उसमें ईएमएफ होता है, मतलब स्टेटर के फ्लक्स की वजह से उत्पन्न होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही होगा। तो अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये एक पेज शायद मिस हो गया यहाँ पर। अगला देखिए आपको क्या दे रखा है कि जो ब्लॉक रोटर टेस्ट किया जाता है, मतलब रोटर को ब्लॉक कर दिया, तो उस विधि से आप लोग कौन से टेस्ट को करोगे, किस चीज़ का निर्धारण करोगे, कॉपर लॉस का करोगे या घर्षण लॉस का करोगे, एडी करंट का करोगे या स्टेसिस का करोगे। अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट होगा वो किसको डिटर्मिनाइट करने के लिए किया जाता है, मतलब किस चीज़ का ज्ञात करोगे, कॉपर लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, स्टेसिस होगा या एडी करंट होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपका कॉपर लॉस राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर रोटर को ब्लॉक कर दिया और इसके अंदर जो सप्लाई वोल्टेज रखी जाती है वो भी बहुत कम होती है, और आपको पता है कि वोल्टेज की वजह से जो स्टेरसिस और एडी करंट लॉस होगा वो भी नहीं होगा। तो केवल ये क्या करेगा, जो वाट मीटर लगाएंगे अपने मोटर की साइड वाइंडिंग की तरफ, वो हमेशा कॉपर लॉस को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपने मोटर की रीवाइंडिंग की है और वार्निश करने से पहले मोटर को प्री हीटिंग किया जाता है, मतलब आप लोगों को काम क्या करना है, मोटर की वाइंडिंग कर दी, वाइंडिंग करने के बाद वार्निश करेंगे, वार्निश करने से पहले उसके वाइंडिंग को गर्म करेंगे, वो क्यों करेंगे, वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी सुखाने के लिए, वाइंडिंग में वार्निश के आसानी प्रवाह करने के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, या वाइंडिंग की जो परतें होती है उसमें नमी को बाहर निकालने के लिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइडिया से भी आप लोग कर सकते हो, और प्री हीटिंग आपको पता होना चाहिए किस में करेंगे, ये करेंगे अपने ओवन के अंदर। तो यहाँ वाइंडिंग के अंदर जो नमी होती है उसको बाहर निकालने के लिए करेंगे, तो डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि ऐसी मोटर की जो वाइंडिंग जो होती है उसमें इंटरनल ग्राउलर का इस्तेमाल किस टेस्ट को करने के लिए करेंगे, ग्राउंड टेस्ट करेगा, पोलैरिटी टेस्ट करेगा, कंटिन्यूटी टेस्ट करेगा या शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने लेबोरेटरी या लेबो के अंदर आपने देखा होगा इस एच आकृति के अंदर एक होता है, लेकिन ये जो ग्राउलर होगा ये एक्सटर्नल ग्राउलर होगा, ये भी अन्योन्यन प्रण के सिद्धांत पर काम करता है, और इसके अंदर आप लोग हेक्सा ब्लेड से आप लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जांच कर सकते हो। इसके अलावा जो तार के स्पार्किंग होती है तो वहाँ आप ओपन सर्किट चेक कर सकते हो, मल्टीमीटर से आप लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बाहरी ग्राउलर होगा वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से इससे आप लोग जो चेक करोगे केवल शॉर्ट सर्किट की जाँच कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, जो आंतरिक ग्राउलर होगा इसको बाहरी ग्राउलर कहा जाता है, तो ये केवल आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट को ज्ञात करने के लिए करेंगे, तो डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि देखो आपको स्टार्टर वाइंडिंग है, ठीक है, स्टार्टर वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों को टेस्ट करना है, तो किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन जिस बंदे को समझ में आया वो नीचे वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कि उसका इस्तेमाल आप लोग शॉर्ट सर्किट के लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ ओपन और शॉर्ट दोनों को टेस्ट करना है, तो टोंग टेस्टर का तो यूज़ नहीं करते हमने, इंटरनल ग्राउलर आपको अभी मैंने बताया था, तो ऊपर वाला ऑप्शन गया यहाँ से। अब दो ऑप्शन बचते हैं, इंटरनल ग्राउलर यूज़ करेंगे या डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, सॉरी एक्सटर्नल ग्राउलर का यूज़ करेंगे या डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। तो वाइंडिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट ये ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो अपना कौन सा होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आपको दे रखा है कि जो एसी मोटर के सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, बाई मेटलिक स्ट्रिप होती है तो वो आप लोग बताइए, कि थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में पूछा गया है डायरेक्टली, तो आपको भारी भार से रक्षा करता है या हाई वोल्टेज से रक्षा करेगा, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देता है या शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो आपको नॉर्मली यहाँ देखो फ्यूज तीन चीज़ें इसके अंदर लगी होती है, किसी भी स्टार्टर की अगर अपने बात करें, जो मोटर का जो सर्किट होगा उसमें स्टार्टर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो फ्यूज़ होगा वो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जबकि थर्मल जो होगा वो ओवरलोड से करेगा, मतलब आपका हैवी लोड जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
इसके अंदर भी तीन ऑप्शन है। चलो देखिए, आपको दे रखा है कि वेरिएबल गति आपको चाहिए और स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या चाहिए आपको, हाई चाहिए, तो किस प्रकार की मोटर का यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो चौथा ऑप्शन होगा वो स्क्विरल केज मोटर होगी, गिलहरी पिंजरा आप लोग, ठीक है। तो आपको वेरिएबल गति भी वेरिएबल चाहिए और उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी आपको हाई चाहिए। विच टाइप मोटर इज यूज टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड। तो यूनिवर्सल मोटर होगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर होगा, तीन फेज स्लिप रिंग होगा या अपना स्क्विरल केज होगा। देखो स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई चाहिए और वेरिएबल स्पीड आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ यूनिवर्सल मोटर का भी टॉर्क हाई होता है और स्लिपरिंग का भी, इंडक्शन मोटर का भी हाई होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से बताइए ए आंसर होगा या आपका सी होगा। परिवर्तनीय गति पर उच्च प्रारंभिक बल्ला गुण प्राप्त करने के लिए किस मोटर का यूज़ करेंगे, तो स्लिपरिंग का यूज़ करोगे या यूनिवर्सल मोटर का करेंगे। ठीक है, तो प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो आपका जो होगा वो यूनिवर्सल मोटर रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर से आप लोग अलग अलग टेपें निकाल करके अलग अलग गतियां प्राप्त कर सकते हो और इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो भी यही होगा। इसके अलावा तीन फेज मोटर में पूछे तो आपका तीन फेज स्लिपरिंग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तीन फेज इंडक्शन मोटर जो होगा उसमें टॉर्क और स्लिप के बीच में रिलेशन क्या होगा। स्लिप बढ़ने से टॉर्क घटेगा, स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा, स्लिप अगर घटेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा और स्लिप अगर डिक्रीज होगी तो टॉर्क भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टॉर्क जो होगा वो प्रोपोर्शनली होगा स्लिप, लेकिन ये एक पुल आउट टॉर्क तक होगा, उसके बाद अगर स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा, लेकिन जब तक वो इस कंडीशन चलेगा तब तक आपका स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का बी आंसर करेंगे। अब आप लोग देखो ये बी और डी को देखिए, बी स्लिप बढ़ रही है तो टॉर्क बढ़ रहा है, स्लिप घट रही है तो टॉर्क घटेगा। तो यहाँ ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो बी ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एग्जाम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। डी ऑप्शन आपको करने में कर सकते हो, लेकिन इसको प्रेफर अगर देंगे तो बी ऑप्शन को ज़्यादा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि रोटर में अगर सर्किट जो है उसमें रोटर बार ओपन होगी, मतलब जो रोटर की जो छड़ें जो होगी इस तरीके से ये ओपन हो जाती है, तो आपको बताना है कि ये काम क्या करेगा, मतलब उस सॉफ्ट कंपन करेगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, धीमी गति से चलेगी या मोटर ओवर हीट हो जाएगी। तो यहाँ से बताइए, ठीक है, देखो रोटर अगर ओपन होगा तो इसका मतलब मोटर जो होगी वो स्टार्ट नहीं होगी, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको तीन फेज मोटर उसकी रिवाइंडिंग करनी है तो किस तार का इस्तेमाल करेंगे, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का करेंगे, पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर का यूज़ करेंगे, या सिंगल कॉटन कवर्ड वायर कॉपर वायर का करेंगे, या डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर का करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर जो होगा उसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि जो वाइंडिंग में वेजेज, वेजेज का मतलब रहेगा पच्चर रहेगा, में किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, जो आर्मेचर जो होगा उसकी बाहरी जो परिधि जो होती है उस पर क्या इस तरीके से खांचे कट्टे होते हैं, जो अपने क्या करते हैं सेमी क्लोज को जो स्लॉट लेते हैं, मतलब अर्धबंद खांचों का इस्तेमाल किया जाता है, इन खांचों को बंद करने के लिए पच्चर यूज़ की जाती है, वो पच्चर के रूप में आपको बताना किस सामग्री का यूज़ करेंगे। एम्पायर होगा, कॉटन होगा, बम्बू होगा या टेरेलिन होगा। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए बम्बू का यूज़ करेंगे, मतलब बांस का यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर किसी मशीन है उसकी आपने वाइंडिंग कर दी और उसको सप्लाई से जोड़ रहे हो, तो सप्लाई से जोड़ने से पहले कौन सा टेस्ट करेंगे, ग्राउंड टेस्ट करोगे, पोलैरिटी करोगे, ओपन सर्किट टेस्ट करोगे या शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे।
यहाँ से बताइए, पोलैरिटी टेस्ट करोगे, कौन सा टेस्ट करेंगे? आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग का कौन सा टेस्ट आवश्यक है? और पोलैरिटी टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ग्राउलर आपको मैंने बताया था, एक्सटर्नल ग्राउलर था, उसमें कर सकते हो। तो यहाँ से अपने काम क्या करेंगे, पोलैरिटी टेस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास जो रोटर जो होगा उसमें छड़ों को तिरछा रखा जाता है 3 फेज मोटर के अंदर। उसका रीज़न आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, या स्ट्रे हानियाँ जो होती है उसको कम करने के लिए, या रोटर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए, या उसका टॉर्क बनाए रखने के लिए। तो आपको बताया कि रोटर की जो छड़े रखेंगे वो तिरछा रखेंगे, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, क्योंकि टॉर्क जो होगा वो रोटर के प्रतिरोध के तो प्रोपोर्शनल होगा, उसका एक्स टू के क्या होगा, एक्स के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस जो गिलहरी पिंजरा होगी उसमें तो छड़ों को तिरछा रखकर बढ़ाया जाता है, और जो आपका स्लिपरिंग होगा उसमें क्या करेंगे, बाहर से रोटर में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 फेज मोटर उसमें नो लोड टेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो कौन सी हानि आपको ज्ञात कर सकते हो? लोहा हानि ज्ञात कर पाओगे, कॉपर हानि, या घर्षण हानि, या वायु हानियाँ, विंडेज लॉस जिसको कहा जाता है। तो देखो, नो लोड पर आपको पता है कि नो लोड पर जो लॉसेज होता है वो आयरन लॉस होगा, तो आप लोग आयरन लॉस को फाइंड आउट करेंगे, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, 3 फेज मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि में केवल 2 चर गतियाँ प्राप्त होती है? रियोस्टेट विधि का यूज़ करेंगे, चेंजिंग अप्लाई फ्रिक्वेंसी को चेंज करके कर सकते हो, वोल्टेज को चेंज करके कर सकते हो, या स्टेटर में पोलों की संख्या को चेंज करके कर सकते हो। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको। 2 चर गतियों का मतलब रहेगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास, मान लेते हैं सिंक्रोनस गति 1000 है, आपको 3000 करना है, 1500 करना है, तो इस तरीके से। तो आप लोग ये जो विधि करेंगे वो पोल चेंजिंग के अंदर करेंगे, तो यहाँ इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी से अगर आप लोग मोटर 1000 पर चल रही है तो उसको 1100 पर भी कर सकते हो, 1150 पर भी कर सकते हो। तो यहाँ आपको जो होगा वो 2 गतियों से ज़्यादा गति प्राप्त कर सकते हो ऊपर वाले 3 मेथड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं कि जो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें रोटर जो होगा उसको वाउंड क्यों करेंगे, मतलब उस रोटर पर वाइंडिंग क्यों करेंगे? तो स्लिप को कम करने के लिए करोगे, गति को कंट्रोल करने के लिए, या लहानियों को कम करने के लिए, या स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए। देखो, ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया भी था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो गिलहरी पिंजरा होगी उसके अंदर तो रोटर की छड़ों को तिरछा करके रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, जबकि स्लिपरिंग के अंदर काम क्या करेंगे, अपने प्रतिरोध लगा करके करेंगे, और प्रतिरोध तभी जोड़ा जा सकता है जब वो बाउंड किया हो। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, अपना डी रहेगा। देखो, स्वचालित जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा उसमें टाइमर का आपको पूछा गया, टाइमर काम क्या करेगा, अवर लोड पर ट्रिप कर देगा, या पूर्व निर्धारित समय पर चालू कर देगा, स्टार से डेल्टा में चेंज करेगा, या मोटर को स्विच ऑफ कर देगा, मतलब पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ कर देगा। तो टाइमर आपको बताना है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा, अपना वो रहेगा डेल्टा, स्टार को डेल्टा में चेंज करने के लिए करेगा, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, आपको दे रखा है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होगी उसमें इंसुलेशन प्रतिरोध का मेजरमेंट करना है, तो कौन सा मीटर का यूज़ करेंगे, मेगर का करोगे, मल्टीमीटर का करोगे, शंट टाइप ओममीटर होगा, या सीरीज टाइप ओममीटर होगा?
तो आपको पता है कि इंसुलेशन जो हाई रेजिस्टेंस होगा 1 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग, तो ये मेगर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, डायग्राम देखकर आपसे पूछा गया वाइंडिंग का कौन सा टेस्ट किया गया, तो ये डायग्राम को देखिए और यहाँ से बताइए इसका कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। तो देखो पोलैरिटी टेस्ट होगा, ग्राउंड टेस्ट होगा, कंटिन्यूटी टेस्ट होगा या शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा। तो यहाँ ये जो टेस्ट किया गया है पोलैरिटी टेस्ट किया गया, तो ये आज 46 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से एक क्वेश्चन मिस था, दो क्वेश्चन मिस मान लेते अपने, तो 44 क्वेश्चन थे। और अपना दोबारा टेस्ट कीजिए इसको और इसमें देखिए कितने आपने क्वेश्चन सीख किए। जो क्वेश्चन आपको नए लगे उनको ज़रूर एक बार दोबारा रीड कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जो आपको व्हाट्सएप दे रखा है नंबर, उस नंबर पर आप लोग उसका डायग्राम या उस क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे को सेंड कर पाओगे, वहाँ मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट टाइम, कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे, और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके भी जरूर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।